If you have any developmental issues, grievances, and other stories in your locality, village, you can contact us freely. Our team JK Khabarna will reach to your locality within days. You may contact our WhatsApp us on following numbers 9797973070 or 9797921165. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके खबरनाव और मैं हूं आपका मेजबान साहिल इकबाल। पेश है आज दिन की खबरें। पीर को शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के आजाद गंज पुल के करीब अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड से हमला किया। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि अस्करियत पसंदों ने आर्मी के काफिले पर दस्ती बम से हमला किया, ताहम निशाना चूकने की वजह से बम सड़क के किनारे फटा, जिसमें 6 शहरी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुनक्कद कर दिया गया है। इस दौरान हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। सब जिला हिंदवाड़ा के MJ मनरेगा के आरसी मुलाजमीन ने आज ब्लॉक हिंदवाड़ा में एहतजाज करते हुए कहा, जब तक न हमारी जायज मांगों को पूरा किया जाए, हम लोग एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। मनरेगा में काम कर रहे मुलाजमीन का कहना है कि सरकार ने मुलाजमीन को मुतअद्दिद साल पहले इस मौकमे के लिए नामजद किया और उनसे वादा किया कि इनको मुस्तकिल किया जाएगा, और ये मुलाजमीन अर्जदराज से 6,000 महाना उजरत पर काम कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि अब इन 6,000 में इनका अहलो अयाल चलना दुश्वार बन गया है। उन्होंने कहा, अगरचे इंतजामिया ने इस वक्त हमारे साथ वादा किया था कि हम लोगों को जल्द ही मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से आज 2020 भी रुखसत होने जा रहा है, लेकिन हमें न मुस्तकल किया गया और न ही हमारी तनख्वाहों में किसी तरह का इजाफा किया गया, जिसकी वजह से हम मजबूर होकर काम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इस वक्त हम महकमे रूरल डेवलपमेंट के सभी स्कीमों को, जिसमें SBM, 14FC वगैरह वगैरह मुख्तलिफ स्कीमों को जमीनी सतह पर अमलाए हुए है, लेकिन अभी तक इंतजामिया हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। इस दौरान सरपंचों और पंचों ने इन मुलाजमीन की हिमायत करते हुए कहा कि इनकी जायज मांगों को फौरी तौर पर पूरा किया जाए, क्योंकि इनके काम छोड़ हड़ताल की वजह से ब्लॉक में कई काम ठप पड़े हुए हैं। इन मुलाजमीन के काम छोड़ हड़ताल की वजह से ब्लॉक ही नहीं बल्कि आम लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इन मुलाजमीन की जायज मांगों को पूरा किया जाए। जी, हमारी डिमांड से हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हम जब से 14-11 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट में, हमें छोटी सी सैलरी पे हम काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय से, तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी इस डिपार्टमेंट में जम किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एश्योरेंसेस दिए। हम ऐसे नहीं बता रहे हैं गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिए हैं कि हम आप लोगों को कर रहे हैं, कमिटीज भी बनाई है, हमारे पास पूरा रिपोर्ट है। 2018 में भी हमारा बनाया गया था, मैडम से खुद मैं सेक्रेटरी गई थी मिलने, तब भी बहुत सारे वादे किए थे, फाइल बनी हुई है, पड़ी है किसी टेबल पे, बैंड में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई कार्य उठाई है तो उसका डिपार्टमेंट जवाब नहीं। सबसे मेन इशू जो है वो ये कि हमें डिपार्टमेंट में एक सिक्योर जॉब मिलनी चाहिए, हमें डिपार्टमेंट में एग्जाम किया जाए या एक प्रॉपर वे जो है उसी लिहाज से हमें डिपार्टमेंट में लिया जाए, ताकि हम भी अपनी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है वो इजिली फुलफिल कर सके। राजवर है 35 एम्प्लॉइज है, हमारा तो काम है हम उन तक आवाज पहुंचाए, वो टस से मस हो जाए वो उनका मामला है, लेकिन ये बात तय है जब हम इस वक्त स्ट्राइक पे है तो पूरी जो उनकी जो बेस ग्राउंड लेवल पे जो उनका सबसे रीड की हड्डी जो डिपार्टमेंट है, दैट इज रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो तो सफर कर रहा है, वो तो पूरा जमीन चाटने को है। वजह है क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारा काम एक प्रॉपर यूथ एम्प्लॉयज है जो इस चीज को कर सकते हैं। अगर हम आज के दौर में बात करें तो हर कोई बंदा वही बंदा काम कर सकता है जो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर नॉलेज हो, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड हो, ज्यादा से ज्यादा डेडिकेट हो। कब तक आपका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जब तक ना कोई फाइनल डिसीजन आ जाए। हमारा एक ही नारा है, एक ही चीज है कि हमें जॉब सिक्योर किया जाए, हमें एक प्रॉपर वे से एक तरीके से डिपार्टमेंट में जमा किया जाए, और जो बाकी एम्प्लॉयज है जिस तरह उनकी फाइल्स बनती है, जिस तरह उनका ये जिसमें फ्यूचर सेव, हमारे लिए भी एक प्रॉपरली स्कीम के तहत हमें डिपार्टमेंट में लिया जाए। टिल दैट वी आर हियर। अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले 23 साला कोच आकिब मजीद ने ये साबित कर दिया है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद है तो आपको सिर्फ उसके लिए सख्त मेहनत करने की जरूरत है। कामयाबी की राहें आपके कदम चूमेंगी। 2014 में तलबाओं के एक ग्रुप की तरफ से शुरू की गई एक पहल, जब खेल का कोई तसव्वुर न था और न ही खेलों के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया था।
इस पहल के तहत आकिब ने अब जनूबी कश्मीर में हजारों तलबाओं की तरबियत की है, जिनमें 8 बैनल अक्वामी तमगा जीतने वाले और 3500 से ज्यादा नेशनल खिलाड़ी और रियासती और जिला सतह खिलाड़ी शामिल हैं। आकिब फिलहाल जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ यूनिफाइड मार्शल आर्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी और साउथ ब्लॉक के हेड कोच हैं। जनूबी कश्मीर के 6 नौजवानों ने JKAUMA को शुरू किया। आकिब इनमें से एक हैं, जिन्होंने ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स इन पे काम किया और मंशियात के खात्मे और नौजवानों की रगों में नशे की जगह खेल को दौड़ने के मकसद से शुरू किया। आकिब ने जनूबी कश्मीर में आगाही के लातदाद प्रोग्राम मुनक्कद किए और वादी में चंद खेलों के रुझान को बहुत सारे खेलों के रुझान में तब्दील किया। अब साउथ कश्मीर में न सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल चैंपियंस हैं, बल्कि इनके साथ ही मार्शल आर्ट्स चैंपियन भी हैं। आकिब ने अब जनूबी ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा क्लबों का आगाज करने का इरादा किया है, ताकि 6 नौजवानों की पहल वादी के हर कोने तक पहुंच पाए। आकिब ने बेहतरीन खिलाड़ियों को तैयार किया है, जिनमें न सिर्फ लड़के शामिल हैं, बल्कि लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और जनूबी कश्मीर में इस इख्तिताम को बुलंद करने के लिए अपनी जदोजहद में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बहुत सारे माली और जहनी दबाव के बावजूद आकिब ने ये वाजिया कर दिया है कि इस खेल से दस्तबरदार होने का कोई रास्ता ही नहीं है। मेरा नाम साहिल निसार है और मैं खनावल में रहता हूँ। यहाँ आकिब मजीद के पास मैं सीखता हूँ मार्शल आर्ट, जिन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। पहले पहले कोई कंसेप्ट नहीं था, पहले पहले मेरा पैशन था ये मार्शल आर्ट सीखने के लिए, मैं आता था। फिर यहाँ बहुत सारी नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हुई मेरी लाइफ में। इन्होंने एक मोटिवेटर का काम भी किया, इन्होंने मुझे जहाँ पे मैं भटका वहाँ पे भी मुझे सुधारा, हमेशा मेरी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी साथ दिया। और हमको बहुत सारे इवेंट्स पे भेजते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मिल के आए हैं, नेशनल भी आए हैं और मैं खुद एक नेशनल प्लेयर हूँ। तो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स भी सपोर्टिव है और उनको बहुत खुशी मिल रही है आज मेरे से कि मैं नेशनल प्लेयर यहाँ से कश्मीर से नेशनल। अकेडमी ऑफ यूनिफाइड मार्शल आर्ट है, हम अभी ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स इन पे काम कर रहे हैं। हमारा बेसिकली हम 6 बंदों का यही इनिशिएटिव है कि हम जो इंस्टेड ऑफ ड्रग्स हम स्पोर्ट्स को बच्चों की रगों में घुसाएं, और हम लोग इसी चीज़ पे अब काम कर रहे हैं। और पूरी जितनी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, मुझे लगता है आज हर कोई वही चाहता है कि हमारे कौम के बच्चे जो हैं वही सही रास्ते पे चले, ड्रग्स के बदले फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन जो आप देख रहे हैं आज, सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए, यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, ताकि उनका जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़े ना, और हम स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी मेंटल स्टेबिलिटी निकालें। मैंने अभी तक 8 इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो हमारे थ्रू यहाँ से मतलब साउथ कश्मीर से निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 को हमने ट्रेन किया है। और बाकी रही बात नेशनल प्लेयर्स की, नेशनल मोर देन 3000 प्लेयर्स हैं अभी हमारे, जिन्होंने नेशनल खेला है हमारे थ्रू। स्टेट्स में इट हैज़ क्रॉस द नंबर ऑफ 15,000 नाउ, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल ये 15,000 से ज़्यादा बच्चे, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हमने 20,000-30,000 से ज़्यादा बच्चों तक मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स तक की बात लाई है हमने। क्या आपकी मेरी यही मैसेज रहेगी कि जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज जस्ट आई गेस 17 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज इन माई 17, मैं 12th में था। तो मैंने ये इनिशिएटिव इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे एक पैशन था कि मैं कोकरिकुलर एक्टिविटी के साथ, मतलब मुझे आदत थी कि मैं कुछ ना कुछ करता, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए था लेकिन मिलता नहीं था। तो वो एक इनिशिएटिव इसी वजह से था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप को मुझ पर भरोसा था, उनका भरोसा उनका साथ, और कुछ अच्छे अच्छे बच्चे जो मेरे साथ मिले उनका सपोर्ट से, उनके कुछ पेरेंट्स थे, कुछ आइडियोलॉजीज थी, उनके सपोर्ट से मैं इस मतलब मकाम तक पहुंचा हूं। मैं आगे पेरेंट्स को भी बोलता हूं कि उम्र कोई ये उम्र इज नॉट एनी पर्टिकुलर थिंग कि जिसकी वजह से आप बच्चों को रोक दो, आपका बच्चा छोटी उम्र में भी सक्सेसफुल रह सकता है। थैंक यू सर। बस सुनील डिंपल ने हिंदुस्तान के साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की मौत पर जबरदस्त सदमे का इजहार किया है। डिंपल ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि कौम ने एक अजीम और कदावार लीडर को खोया है। उन्होंने कहा कि वो सियासत के मैदान में एक संग मील का पत्थर थे। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने भी हिंदुस्तान के साबिक सदर प्रणब मुखर्जी की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है। बेहद दुखद समाचार अभी अभी मिला है कि देश के एक महान नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है और देश ने एक महान नेता को खो दिया है जो एक कमजोर वर्ग के दबे लतड़ोए
और गरीब लोगों की नुमाइंदगी करते थे और देश की स्वतंत्रता से लेकर के उन्होंने देश को विकास और आगे बढ़ाने के लिए बेहद सराहनीय कार्य किए थे। वो पद्म रतन विजेता भी थे। आज ये समाचार सुन के दिल को अति दुखद हुआ है और हम सारे गम में डूब गए हैं उनके देहांत के बाद, और सच्चे मन से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मजीद खबरें सुनने से पहले आइए लेते हैं एक तिजारती वक्फा। जिया बेकरी एंड स्वीट्स, हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तियाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तियाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 9797-3412-7006-4-3-3-4-0-1। जानिसार न्यूज एजेंसी नजदीक आमिर पेन स्टोर, डीसी ऑफिस, लाल चौक, अनंतनाग, जहां पर हर किस्म के जॉब फार्म्स हर वक्त दस्तियाब है। इसके अलावा अखबारात में इश्तिहार देने के लिए भी आप हमारे साथ इन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं। 9797-094-982, 7780-87-8931। हिज्ब इख्तलाफ के मुतहदा बड़े नामों ने खासतौर पर PDP और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वालों की BJP में शमूलियत। आज हिंदवाड़ा में पार्टी इजलास के दौरान कुपवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के PDP और लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के दीगर समाजी व सियासी कारकुन BJP के आला सीनियर रहनुमा जावेद कुरैशी की मौजूदगी में BJP में शामिल हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद कुरैशी ने पार्टी में आज शामिल हुए और मुस्तकबिल में शामिल होने वाले लोगों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा, हमारे दरवाजे ही नहीं बल्कि दिल भी हर शहरी के लिए खुले हैं, खास तौर पर कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वालों के लिए। उन्होंने कहा, वक्त गुजर गया जब दादा दादी और उनके दामाद जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के लिए पॉलिसियाँ तैयार किया करते थे। आने वाले दिनों में तमाम करप्ट अफराद को हकीकत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि CBI और NIA अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP का मकसद UT जम्मू कश्मीर की तमाम तर तरक्की है। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, आपकी वसादत से मैं जिले कुपवाड़ा की आवाज़ को हर जगह तक पहुंचाता हूं। आज पहले मन की बात थी, दूसरा जो आज हमने छोटा सा एक इजलास रखा था, आज कुपवाड़ा से PDP के टॉप लीडर्स जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। सब ये चाहते हैं कि इस गरीब आवाम के साथ जो सतोली माँ का सलूक हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं होने देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल में काम किया है, बिल्कुल यही सोचकर इन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है। क्या वजह? आपने सही सवाल भी किया है, मेरे ख्याल में आप वाकिफ नहीं है। अगर आप 70 सालों की हिस्ट्री देखते हो कश्मीर की, आज जो रोड बन रहे हैं ये कौन बना रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बना रही है। आज जो IAY केस जिनको नहीं मिल रहा था उनको मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, ये कौन कर रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। अगर किसानों को पैसे मिल रहे हैं जो 70 सालों से नहीं मिलता है, आज इनके अकाउंट में सीधा जाता है, ये किसका है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ने किया है। अब बेरोजगारी का जो मामला, बिल्कुल कुछ टाइम हुआ 370 को ख़त्म, 1 साल हुआ, उसमें फिर COVID-19 का मसला रहा,
तो आने वाला जो टाइम होगा ये जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए बेहतरीन होगा। मैं ये कहता हूँ कि बेरोज़गारी बिल्कुल इंशाल्लाह रहमान यहाँ पे ख़त्म होगी, नहीं होगी। बड़े बड़े यहाँ पे कारखाने होंगे जिसमें हमारे नौजवान काम करेंगे, मगर आप भी बखूबी वाकिफ़ है, पूरे देश में पूरे मुल्क में कोरोना ने जो कहर बरपाया था इसकी वजह से आज वो काम नहीं हो पा रहा है। फिर भी ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखें जो काम 70 सालों से नहीं हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने। हिंदवाड़ा टाउन हॉल में आज यूथ लीडर मुदस्सर तात्री की सरबराही में एक यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन का इनेकाद हिंदवाड़ा के मुख्तलिफ तरक्याती अंबार के बारे में तबादले ख्याल और आगे बढ़ने के लिए किया गया था। मुदस्सर ने हिंदवाड़ा को जिला का दर्जा देने पर जोर दिया और कहा कि जब तक हिंदवाड़े को जिला करार नहीं दिया जाता उस वक्त तक वो हुकूमत के साथ इस मामले को जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि बंगस वैली को बैनुल अक्वामी सियाहती मुकाम के मुताबिक तरक्की दी जाए। बंगस बैनुल अक्वामी सियाहती मुकाम होने की सलाहियत रखता है और इस खत्ते पर इसकी तरक्की करके इससे न सिर्फ इस इलाके में मसावी तरक्की होगी बल्कि हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा के नौजवानों के लिए भी रोजगार और कारोबार पैदा होगा। उन्होंने कहा कि रामहाल को एक नया हलका देने पर गौर करने की जरूरत है ताकि रामहाल को अलग से फंड्स मुहैया किए जा सकें जिससे इलाके में तरक्की आएगी। रामहाल को अब तक तरक्याती मवाज पर नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने अहद किया कि अब वक्त आ गया है कि नौजवानों की ख्वाहिशों के मुताबिक रामहाल को तैयार किया जाए। काउंसिल में यूथ रहनुमा तौसीफ रहना भी मौजूद थे। उन्होंने कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए कहा इस बात पर जोर दिया जाए कि नौजवान वादी के अमन और खुशहाली के अहम स्टेक होल्डर्स हैं। कश्मीरी नौजवानों को न सिर्फ हुक्मरानी के अमल में हिस्सा लेने की जरूरत है बल्कि अच्छे कारोबारी सलाहियतों को भी फरोग देने की जरूरत है। कश्मीरी नौजवान बहुत बासलाहियत हैं लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा जहां उन्हें अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक मैदान दिया गया हो। अब वक्त आ गया है कि नौजवान आगे बढ़ते हैं और तरक्की और अमन के लिबाब को अपने हाथों में लेते हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि वो नए कारोबारी राहों के लिए सब्सिडी के नापैद तरीकों को तर्क करें और इसके बजाय खुद को बरकरार रखने और आर्मी सरमायाकारी के मॉडल पर मजीद काम करें ताकि कश्मीर में आलमी मेयार के कारोबारी इदारे बनाए जा सकें। कन्वेंशन में हिंदवाड़ा के नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने हिंदवाड़ा के तरक्याती अंबार पर मुदस्सर के साथ खड़े होने का अहद किया। आज का जो यूथ कन्वेंशन था ये स्पेशली यूथ के लिए था ताकि यूथ से पूछा जाए जो हमने डिमांड्स रखे थे, हमारे जो गोल्स थे, हम चाहते थे कि हिंदवाड़ा के लिए डिस्ट्रिक्ट हो और राजमार्ग इंटरनेशनल टूरिज्म के मैप पे हो और जो बाकी हंदवाड़ा की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है अगर रामहाल को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए तो अच्छा रहता। तो इसलिए प्रोग्राम इसलिए था ताकि यूथ से पूछा जाए। एट द एंड आपको यूथ से ही पूछना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर के बारे में आप बात करने जा रहे हो तो हमें डेफिनेटली यूथ से पूछना था। और आज का जो डिस्कशन हुआ इसमें यही मेमोरेंडम बना कि हमें चाहिए कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करें और मेमोरेंडम अपना पेश करें और हम कल एडीसी हंदवाड़ा को भी मेमोरेंडम पेश करने जा रहे हैं कि हंदवाड़ा के लिए जो हम इतने सालों से परेशान हैं, हमें धोखे दिए गए, हमारे साथ इनजस्टिस की गई, जो 80 से लेकर आज तक हमें बोला गया है कि आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट मीटिंग पास होगी। आज हंदवाड़ा का यूथ, राजवार हंदवाड़ा सारा जो ये एरिया है इसके यहाँ का यूथ आज चाहता है, गवर्नमेंट से अपील करता है कि आज हम लोग चाहते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट दिया जाए ताकि हम लोगों के हंदवाड़ा में भी डेवलपमेंट हो। हमारे राजवार में अगर आप बंगस वैली की बात करते हैं, अगर बंगस के लिए आप बात करना चाहते हैं तो आप बंगस का रोड जो है वो राजवार जजलदारा के विया लेके जाए ताकि हमारे गरीब लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स है, हर एक को जॉब नहीं मिलेगा। अगर हमें यहाँ इस वक्त रोड विया जचलदारा जाता है तो हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस है जिन लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी बिजनेस चलेंगे और बाकी भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। और दूसरा जो तीसरा पॉइंट जो हमारा था वो था यही कि रामहाल को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी हो। हम और यहाँ पे जो दोस्त है जैसे हमारे मुदस्सर साहब और भी काफ़ी दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। और जहाँ तक कि आज यूथ कन्वेंशन हुआ आज यहाँ पे, बहुत खुशी की बात है जब हमारा नौजवान स्टेज पे आके बात करता है अपने जो प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से
अब क्या कहते हैं सरकार तक पहुंचाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने आज यहां भी बोली, मैं पूरी जम्मू कश्मीर की नौजवानों से खास कर अपील करना चाहता हूं, ये जो पंचायतें सीटें खाली हैं जिन पे इलेक्शन होने वाला है, मैं खासकर नौजवानों को कहता हूँ आप आगे आएँ, आप पंचायत म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन लड़ें, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, पंचायतों को पावर मिलना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी को पावर मिलना चाहिए, ताकि जो लोकल मुद्दे हैं वो लोकली हल हो, उनको डीसी ऑफिस ना जाने पड़े, उनको गवर्नर साहब के पास ना जाना पड़े, उनको चीफ मिनिस्टर के पास ना जाना पड़े। और अक्सर हम बात करते हैं एम्पावरमेंट पंचायत की, ये एम्पावरमेंट हमें करनी है। ये कैसे होगा ये पंचायतों की एम्पावरमेंट, ये इस तरह होगी जैसे हम पार्टिसिपेट करेंगे, जितने लोग अच्छे खुले दिल से अपने नेता को चुनेंगे वही आपके लिए काम करेगा। जब हम सारे लोग मिलजुल के पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा खासा वोट पड़ेगा किसी अच्छे खासे नौजवान को, तब यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जे की खबर नाउ की न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। If you have any developmental issues, grievances and other stories in your locality, village, you can contact us freely. Our team JK Khabarna will reach to your locality within days. You may contact our WhatsApp us on following numbers 9797973070 or 9797921165.